वैशाली जिला के प्रभारी मंत्री जयंत राज जिला मुख्यालय में बैठक करने के बाद लालगंज के बसंता जहानाबाद घाट पर पहुंचे, जहां जर्जर हुए तिरहुट तटबंध का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने तटबंध को मजबूत कराने को लेकर स्थानीय लोगों के विचार जाने। लोगों ने बोल्डर पिचिंग कराने की मांग की है। वहीं किसानों से फसल क्षति को लेकर भी जानकारी ली गई। किसानों ने बताया कि यास तूफान और असमय बारिश होने के कारण धान का बिचरा तक बर्बाद हो गया, जिससे काफी कम धान रोपा जा सका। वहीं मक्का तो बिल्कुल ही नष्ट हो गया। खेतों में लगी सब्जी भी सड़ गई, जिससे काफी क्षति हुई है। वहीं जिलाधिकारी ने लालगंज, पटेड़ी, बेलसर और वैशाली प्रखंड में सर्वाधिक बारिश होने की बात मंत्री को बताई। मंत्री जयंत राज किसानों की समस्या सुनने के बाद भरोसा दिलाते हुए कहा कि किसानों को फसल क्षति का मुआवजा अवश्य मिलेगा। इसके लिए जिला में बैठक कर संबंधित विभाग को निर्देश भी दिया गया है और विभाग सर्वे का कार्य भी कर रही है। वहीं बांध को लेकर भी जिला प्रशासन द्वारा प्रपोजल भेजा गया है। मंत्री जयंत राज के साथ एसपी मनीष, एसडीओ अरुण कुमार, वैशाली के विधायक सिद्धार्थ पटेल उर्फ चुन्नू पटेल, राघोपुर के पूर्व विधायक सतीश यादव, जदयू के जिला अध्यक्ष सुभाष चंद्र सिंह, बीडीओ पुलक कुमार, सीओ पंकज कुमार के साथ साथ कई अधिकारी व कर्मचारी शामिल रहे। अब आज सामने आई है कि तीन प्रखंड जल जमाव से ज्यादा पीड़ित हुए हैं, बारिश अत्यधिक होने के कारण। क्या करेंगे सर आप लोग इसको लेकर? बैठे ना अंदर आप। अभी इस पर बात हुई है, आज प्रभारी मंत्री हमारे आए हुए थे, उनका कहना है कि जो भी इलाका डूबा हुआ है वहाँ पर उसको फसल क्षति है और जेआर का जो भी अनुदान मिलता है वो सब रख दिया। धान मरम्मति को लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। व्यापक उस पर काम चल रहा है। हमारे जिला पदाधिकारी और प्रभारी मंत्री के नेतृत्व में यहाँ पर बांध मरम्मति और एक 20 से नहर निकालने की बात हो रही है, जिससे इस बांध पर दबाव कम हो, ये काम आने वाले समय में। इसके साथ में अभी हम लोग आए थे, आपदा का बैठक था, इसके साथ में आए थे। नारायणी बांध को हम लोग देखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। इसमें 90 डिग्री का जो कटाव है, अभी जिला पदाधिकारी महोदय ने बताया कि जो ये कटाव है इसके लिए प्रपोजल इन लोगों ने बनाया है और जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा उसके लिए हम लोग कार्रवाई करेंगे और पुनः हम लोग यहाँ आते रहेंगे, चूँकि मैं इस जिले का प्रभारी हूँ।